हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एलटी टेलर्स में। दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इस शर्ट की स्टिचिंग करना बताएंगे। तो इससे पिछली वाली वीडियो में हमने आपको इस शर्ट की कटिंग बताई हुई थी। यदि आपने इसकी कटिंग नहीं देखी है, यदि आप देखना चाहते हैं, तो उस वीडियो का लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और आई बटन में भी दे देंगे, तो वहाँ पर जाकर आप इसकी कटिंग का वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस शर्ट को हम रेडीमेड स्टाइल से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने पेस्टिंग कर ली थी पिछले वीडियो में, हमने इसकी पेस्टिंग आपको बताई हुई है। तो इसकी अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो ये जो हमारा सारा खर्चा है, इसको हम एक साइड में रखते हैं। तो हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, जैसे आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो आप हमारे चैनल एल टी टेलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी हुई बेल आइकन यानी घंटी के बटन को ज़रूर ऑन कर दें, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो जैसा आप देख रहे हैं, हमने फ्रंट पार्ट के पल्लों को लिया हुआ है, उस पर हमने उल्टे हिस्से पर मार्किंग कर ली है। अब एक साइड के पार्ट को हम उठाएंगे। ये पार्ट हमारा लेफ्ट साइड का है, इस पर हम फैसन पट्टी बनाएंगे। तो इसमें हम फोल्ड फैसन पट्टी बनाएंगे। तो जो फैसन पट्टी इसमें बनाएंगे वो हमारी ओरेब है। तो इसका जो मार्जिन है, इसको हम कट कर लेते हैं। सिर्फ हम आधा इंच का मार्जिन रखेंगे, बाकी के मार्जिन को कट कर देंगे। अब जो हमने फैसन पट्टी चिपकाई हुई है ओरेब कपड़े पर, उसको हम रखेंगे। जहाँ से हमारी ये पेस्टिंग है, उससे सटाकर हम एक सिलाई लगाएंगे। अब हम इसको पलटेंगे और अच्छी तरीके से नाखून लगा लेंगे, जिससे हमारा जो कपड़ा है वो बैठ जाए, अच्छी तरीके से बैठ जाए। तो इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे सीधे हिस्से की तरफ, और इसमें हम एक पैर का मार्जिन लेकर यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा ली है। इस तरफ भी हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमारी फैसन पट्टी बनकर तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें हम लगाएंगे पॉकेट। तो पॉकेट हम किस तरह लगाते हैं और कहां पर लगाते हैं, तो जो हम आर्मोल का मार्क लगाते हैं, उसी मार्क को हम इस तरीके से उठा लेंगे और यहां से हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और अच्छी तरीके से इसकी चेक मिला लेंगे। मिलाने के बाद दोस्तों, हम इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो है एक साइड का पार्ट बनकर तैयार हो गया है। अब इसका हम सेकेंड पार्ट बनाएंगे, यानी राइट साइड वाला पार्ट बनाएंगे, बटन टेक वाला। तो इस तरीके से हम इसको रखेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको कट कर देंगे, और इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर इसमें लकी सिलाई से इसको पक्का कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे दोनों पार्ट बनकर तैयार हो गए हैं। दोस्तों, अब हम आपको इसकी बैक की स्टिचिंग करना बताएंगे। तो इस तरीके से हमने बैक को ले लिया है, मार्किंग कर लेंगे इस पर उल्टे हिस्से पर। इसको हम इस तरीके से सीधा बिछाएंगे और इसका जो बैक का शोल्डर है, उसको हम इसके ऊपर रखेंगे। बैक के शोल्डर को हमें उल्टा रखना है, यानी दोनों भाग जो है हमारे वो सीधे अंदर की तरफ हैं। इसको हम पक्का फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से हम जो बैक का पार्ट है, उसको हम थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। एक बार हम इसको कच्चा फोल्ड करेंगे और दूसरी बार में हम इसको पक्का फोल्ड करेंगे। अब दोस्तों, इस तरीके से मार्जिन को हम ऊपर की तरफ रखेंगे। रखने के बाद इस पर हम एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारे बैक शोल्डर की स्टिचिंग हो गई है। अब दोस्तों, हम इसकी कंधी अटैच करेंगे। तो कंधी किस तरीके से अटैच की जाती है, तो ये जो हमारा राइट साइड वाला पार्ट है, तो ये फ्रंट का पार्ट है, तो इसको हम सीधा रखेंगे और इसके ऊपर हम बैक रखेंगे। तो बैक को हम उल्टा रखेंगे, क्योंकि दोस्तों हमें इसकी जो स्टिचिंग है वो पक्की करनी है। तो कंधी भी हम इसकी पक्की जोड़ेंगे। तो इस तरीके से बैक जो फ्रंट का पार्ट है, उसको हम थोड़ा सा फोल्ड करेंगे बैक की तरफ। एक बार हम इसको कच्चा करेंगे। दोनों पार्टों को आपको इसी तरीके से अटैच करना है।
दोस्तों आप में से बहुत से भाई हमारे ऐसे हैं जो हमारी वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हैं, उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे हम गुजारिश करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब इसको हम पक्का कर लेंगे तो मार्जिन हमारा बैक की साइड जाएगा। तो इस तरीके से हम मार्जिन को बैक साइड करके एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई लगा लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी शर्ट की बॉडी बनकर तैयार हो गई है। तो इस तरीके से हम आर्म होल को मिलाकर रखेंगे, यहाँ पर हम एक चटका लगा लेंगे सेंटर पर। अब फ्रेंड्स हम इसकी बाजू की स्टिचिंग करेंगे। तो बाजू की स्टिचिंग हम फोल्ड लुप्पी में करेंगे, इसमें भी हम फोल्ड बाजू बनाएंगे और इसमें हम लुप्पी लगाएंगे। तो इसकी हमने पेस्टिंग कर ली है, चलिए इसको समझते हैं। इसके उल्टे हिस्से पर मार्किंग कर लेंगे। अब दोस्तों एक पार्ट को हम उठाएंगे, पार्ट को हमें उल्टा रखना है और जो हमने ऑरेब में फैशन पट्टी चिपकाई हुई है उसको हम इसके ऊपर रखेंगे और जो हमारी पेस्टिंग है उससे सटाकर हम सिलाई को लगा देंगे। दोनों बाजुओं में आपको सिलाई लगा लेना है इसी तरीके से। अब दोस्तों हम इसको पलटेंगे और इसको पक्का करेंगे। तो जिस तरीके से हमने फैशन पट्टी में सिलाई लगाई हुई थी उसी तरीके से हम इसमें भी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हम इसमें एक पैर की सिलाई यहाँ पर लगाएंगे और एक पैर की सिलाई हम इससे ऊपर लगाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने दोनों बाजुओं को बना लिया है। अब दोस्तों हम इसमें बाजू में लुपी लगाएंगे। तो इस तरीके से दोनों बाजुओं को हम रखेंगे और सेंटर पर मार्क कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें हम लुप्पी लगाएंगे। तो लुप्पी को हमने इस तरीके से पेस्टिंग से अच्छी तरीके से फोल्ड कर लिया था, तो हम उल्टी तरफ इसको रखेंगे इस तरह से और इस तरीके से हम इसको पक्का कर देंगे, इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसमें हम सिलाई से इसको पक्का कर देंगे। इसी तरीके से आपको दोनों बाजुओं में लुपियों को अटैच कर लेना है। और फ्रेंड्स जैसे आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी हुई बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी ऑन कर दें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और फ्रेंड्स आपको किस तरह से वीडियो चाहिए, किस तरीके की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा कीजिए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब दोस्तों इस स्लीव को हम बॉडी में अटैच करेंगे, तो किस तरीके से करेंगे? तो फ्रेंड्स जो गड्ढा वाला हिस्सा है वो हमारा फ्रंट पार्ट की तरफ रहता है, तो हमने आगे की तरफ रखा हुआ है गड्ढा वाला हिस्सा। तो फ्रंट पार्ट की तरफ हम पक्का स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम इसको रखेंगे और एक पैर का मार्जिन लेकर हम इसमें बाजू को अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने बाजू को अटैच कर लिया है। तो इसमें हम चटका लगा लेते हैं बाजू में। चटका लगाने से ये होता है कि जो हमारा कपड़ा है वो खिंचता नहीं है और आसानी से हमारी जो बाजू है बैठ जाती है। अब इस तरीके से मार्जिन को हम बैक साइड की तरफ करेंगे इस तरीके से और हम इसमें एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई लगा लेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको दोनों बाजुओं में सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद दोस्तों अब हम इसकी साइड बंद करेंगे। तो साइड बंद करने के लिए हम जो बैक पार्ट है उसको हम सीधा रखेंगे और फ्रंट पार्ट के पल्ले को हम ऊपर उल्टा रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर हम इसमें इसकी साइड बंद कर देंगे। इसकी बाजू हम नापेंगे, जितनी भी हमें बाजू की मोरी रखना है उस तरीके से हम इसमें मार्किंग करेंगे और इस पर मार्क करने के बाद इसमें सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से आपको दोनों तरफ की साइड लगा लेनी है। लगाने के बाद दोस्तों अब हम इसकी कॉलर की स्टिचिंग करेंगे। तो दोस्तों इसकी हमने कॉलर की स्टिचिंग कर ली थी पहले ही। अब दोस्तों जैसे आपको कॉलर की स्टिचिंग करना नहीं आता है या पैटर्न कट करना नहीं आता है तो आप सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक हम आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ पर जाकर आप कॉलर की कटिंग स्टिचिंग आसानी के साथ सीख सकते हैं।
तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम हाले को मिलाएंगे, मिलाने के बाद सेंटर का एक मार्क करेंगे। अब हम इसमें कॉलर को अटैच करेंगे। तो दोस्तों बॉडी जो है हमारी शर्ट की उसको हमने सीधा रखा हुआ है और कॉलर को हम इस तरीके से चटके से मिलाकर रखेंगे और इसमें हम एक पैर का मार्जन लेकर कॉलर को अटैच कर लेंगे। अब दोस्तों हम इसको पक्का करेंगे तो अच्छी तरीके से हम इसको मार्जन को अंदर करेंगे और इस पे लपकी सिलाई से हम इसको पक्का कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे कॉलर की स्टिचिंग हो गई है। फ्रेंड्स अब हम इसके बॉटम की स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरीके से हम फैसन पट्टी को मिलाकर पकड़ेंगे और देख लेंगे कि जो फैसन पट्टी हमारी है वो बराबर है कि छोटी बड़ी है। यदि आपकी छोटी बड़ी है तो आप उसको थोड़ा सा छांट सकते हैं। अब दोस्तों ये हमारी बराबर है तो हम इसको एक सादा बॉटम फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से हम इसको अच्छी तरीके से मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद इसको हम एक बार में ही फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से एक तरफ हम लौटेंगे और डबल फोल्डिंग करके हम इसमें लपकी सिलाई से इसको पक्का कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी शर्ट बनकर तैयार हो गई है। फ्रेंड्स आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।